रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बिहारी कीमा बनाने की तरकीब बताऊंगी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियोज़ को फ़ौरन देख सकें। तो चलें हम अपनी वीडियो अभी स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पर आधा किलो कीमा मौजूद है जो कि बारीक इस तरह से पिसा हुआ है। तीन नॉर्मल प्याज लेके मैंने उन्हें बारीक इस तरीके से काट लिया जिसे हम अंडे वाली प्याज भी कहते हैं। 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, एक प्याली जो है दही मौजूद है जिसमें मैंने 4 से 5 जो है हरी मिर्चें इमाम दस्ते में कूट कर इसमें अच्छे से शामिल कर लेंगे। बिहारी कीमा बनाने के लिए मैं शान का बिहारी कबाब का पैकेट यूज़ करूँगी। चूँकि मेरे पास 1 किलो वाला पैकेट है तो मैं इसको आधा पैकेट जो है कीमे में डालूँगी। बाकी नमक हमारे पास हसबे जायका मौजूद है। आप सबको ये बात अच्छे से मालूम है कि हमारे पास हम जब पैकेट्स इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ऑलरेडी नमक मौजूद होता है, इसलिए यहाँ पर मेरे पास आधा चम्मच नमक मौजूद है। अगर आप नमक कम खाते हैं तो फिर इसका भी आप आधा डालें। स्टोव ओपन करके हम एक पॉट में 2 खाने के चमचे, देख लें मेरे पास सालन वाला चमचा मौजूद है, मैंने ऑयल डाला। ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमने बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल इसका जब थोड़ा सा इसका पिंक और लाइट ब्राउन कलर आ जाए तब हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। जिस तरह नॉर्मली हम कोरमे की प्याज ब्राउन करते हैं, हमें उस तरह वाली ब्राउन प्याज नहीं करनी है। आप देख सकते हैं कि हमारी प्याज का कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया तो इस पॉइंट पर, जबकि ये थोड़ी सी लाइट पिंक हल्की सी ब्राउन हो गई, हम जो है कीमा ऐड करेंगे। देन लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के कीमे की बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। हमने तकरीबन 2 मिनट कीमे को लहसुन अदरक के अंदर भुना ताकि लहसुन अदरक की खुशबू कीमे के अंदर बैठ जाए। देन यहाँ पर हम अपना दही ऐड करेंगे जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी 6 हरी मिर्चें इमाम दस्ते में कूट कर मिक्स कर ली थी। शान का बिहारी कबाब का मसाला हम ऐड करेंगे। मेरे पास जो है 1 किलो वाला पैकेट मौजूद है तो मैं हाफ ऐड करूंगी। अगर आप आधा किलो कीमा बना रहे हैं तो आप आधा ही पैकेट यूज़ करें, अगर आप 1 किलो कीमा बना रहे हैं तो आपकी पूरा पैकेट यूज़ होगा। पैकेट डाल के हम इसको चलाएंगे। सॉल्ट ऐड करेंगे। अगर आप सॉल्ट कम खाते हैं तो पैकेट में ऑलरेडी सॉल्ट मौजूद होता है तो आप सॉल्ट कम डालेंगे। मेरे पास यहाँ पर 1/2 टीस्पून मौजूद है, मैं सॉल्ट डाल दूंगी। इसको चलाएंगे। देन इसको हम 20 मिनट्स के लिए कवर करके हल्की आंच पर रख देंगे। आप देख सकते हैं कीमे का पानी अब खुश्क हो गया। दरअसल इसमें पानी, मैं दही के पानी की बात कर रही हूँ, हमने दही इसमें ऐड किया था। तो अब हम जो है, जबकि पानी इसका ख़त्म हो गया है, इसकी हम बहुत अच्छे से भुनाई कर लेंगे। जी तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसकी इतनी भुनाई की है कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया और कीमे की अपनी शक्ल निकल आई है। यहाँ पर हमारा कीमा बिल्कुल बिहारी कीमा रेडी हो गया। हम चूल्हा बंद करेंगे और अब हम इसके ऊपर कोयले का दम लगाएंगे। अब हम जो है इसका कैप कर देंगे और इस पॉट को तकरीबन 15 मिनट के लिए इसी तरह कवर रखेंगे ताकि कोयले का जो अपना टेस्ट है उसके अंदर बरकरार रहे। जी तो फ्रेंड्स, कोयले की धुनी देने के बाद मैंने इसे डिश आउट कर लिया और इसमें हरा धनिया डाल दिया। तो यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा बिहारी कीमा रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा और आप भी ज़रूर इसे खुद से घर में बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी एक नए दिन के साथ, एक नई उम्मीद, एक नई किरण के साथ। अपना और अपने चाहने वालों का बेइंतहा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।